नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अपकमिंग मिशन के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले न्यूज में क्यों आया था देखिए रिसेंटली आपने सुना ही होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट करवाया ऑफ इट्स क्रायोजेनिक इंजिन कहाँ पे कंडक्ट किया आई एस आर प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडुज महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी में ये क्वालिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट करवाया गया एंड इट वॉस ए सक्सेसफुल टेस्ट ऑल्सो आप देखिए क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है या फिर क्राओजेनिक इंजन का मतलब क्या होता है देखिए क्रायोजेनिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मेटीरियल्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में मेटीरियल्स कैसे बिहेव करते हैं इसके बारे में स्टडी है क्रायोजेनिक्स वैसे स्पेस लॉन्च व्हीकल्स का सबसे लास्ट स्टेज को आप बोल सकते हो क्रायोजेनिक स्टेज ठीक है बस आप इतना ही जान लीजिए क्रायोजेनिक्स इज रिलेटेड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मतलब बिलो माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं एक क्वेश्चन आया था कि एग्जामिनेशन में क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है तो एक ऑप्शन था लो टेम्परेचर तो ये आप ध्यान दीजिएगा लो टेम्परेचर रिलेटेड क्रायोजेनिक्स ठीक है और ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया गया इट पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन जिसके बारे में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे आई एस आर ओ की तरफ से और एक इंपॉर्टेंट न्यूज ए आया था कि आई एस आर ओ का न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुआ है एस सोमनाथ ही इज सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट ही चेयरमैन ऑफ आई एस आर ओ एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी आप ध्यान दीजिएगा ठीक है आई एस आर ओ ने अभी तक वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व स्पेस क्राफ्ट मिशन कैरी आउट किया है

2022 तक मिशन सक्सेसफुली लॉन्च होने का प्लान है एंड दिस मिशन इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम प्रोग्राम ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराने से इंडिया विल बिकम द फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन देखिए इससे पहले तीन कंट्रीज ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मतलब ह्यूमन को स्पेस लेके गया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया एंड चाइना

ग्लाव कॉस्मोस करके यह नाम आप ध्यान दीजिएगा अगला है आदित्य एल मिशन नाम से ही आपको पता चल गया होगा आदित्य एल वन इज द फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन कॉल्ड कोरोना लेयर्स ऑफ द सन कौन कौन सा है आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना इसके बाद क्रोमोस्फियर फिर फोटोस्फियर कन्वेक्शन जोन रेडिएशन जोन एंड कोर तो आदित्य एल वन मिशन कोरोना के बारे में स्टडी करेंगे जिस सेटलाइट में जाएंगे इसका पूरा वेट होगा फोर किलो राइट right. वैसे दोस्तों सन का एक हैलो ऑर्बिट है इसी ऑर्बिट में ये प्लेस होगा द एरोडा पॉइंट जिसे L1 बोलते हैं आप देखिए आदित्य L1 मिशन नाम कहां से आया अब आप आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये सन का हेलो ऑर्बिट में प्लेस होगा द पॉइंट पॉइंट एरोडा लैगरेंगे एल वन राइट right? आप देखिए दोस्तों आदित्य एल वन मिशन कोरोना के बारे में स्टडी तो करेंगे इसके साथ साथ फोटोस्फियर एंड क्रोमोस्फियर भी ऑब्जर्व करेंगे राइट अब देखिए इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च बाई द मिडल ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इस साल जुलाई अगस्त तक ये लॉन्च होने का प्लान है और ये कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे अब ये क्या होता है कोरोनल मास इंजेक्शन सिंपल भाषा में दोस्तों कोरोना से जो प्लाज्मा का इजेक्शन होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इंजेक्शन होता है इन सबको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं इसके बारे में भी स्टडी होगा और इसके साथ साथ, साथ सोलर स्टोम्स का ओरिजिन क्या है इसके बारे में पढ़ाई होगी एंड इट विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेस तो स्पेस बथर का प्रोडिक्शन भी आदित्य एलवन मिशन से हो सकता है राइट right? तो यह है आदित्य एलवन मिशन के बारे में अगला है चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री ऑब्बियली चंद्रयान टू का सक्सेसर मिशन होगा एंड इट विल ऑल्सो अनदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लोना सर्फर्स देखिए चंद्रयान टू मिशन के साथ क्या हुआ था आप सबको पता है पार्शली सक्सेसफुल था एक्चुअली चंद्रयान टू का जो ऑर्बिटर है अभी भी मून को ऑर्बिट कर रहा है पर प्लान कुछ अलग था उस ऑर्बिटर से एक लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करना था लूना सर्फस पर और वो लैंडर से एक रोवर मून के सर्फस को सर्वेल करना भी था पर देखिए सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्रैश लैंडिंग हो गया था जिस वजह से विक्रम लैंडर खराब हो गए थे तो आप बोल सकते हो चंद्रयान टू मिशन पार्शली सक्सेसफुल था पर चंद्रयान थ्री मिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है

ऑन डेवलपिंग ए कॉल्ड निसार तो देखिए ये का काम क्या होगा ये बेसिकली अर्थ का का मूवमेंट्स डिटेक्ट करेंगे .0.4 इंचेस भी अगर मूव होगा हो 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 वो निसार डिटेक्ट करेंगे और किस साइज का एरिया मूव होने से डिटेक्ट होगा अबाउट हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट का साइज क्या आपको मालूम है टेनिस कोर्ट का हाफ द साइज आधा साइज का एरिया पॉइंट फोर इंच मूव होगा ना तो यह निर्दा राइट यह भी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में लॉन्च करने का प्लान है फ्रॉम द सतीश धवान स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इंडिया इन टू ए नियर पोलर ऑर्बिट राइट अब देखिए द नेम निसार इज शॉर्ट फॉर नासा आई एस आर ओ एस एर ये मैंने आपको इधर बता दिया एंड सर्फस ऑफ द अर्थ का चेंजेस मेशर करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया एंड एस मतलब होता है देखिए सिंथेटिक अपेर्चर रडार का मतलब क्या होता है इट इज ए टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग हाई रेसोल्यूशन इमेजेस हाई रेसोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करने का एक टेक्निक है बेसिकली सिंथेटिक अपेर्चर रडार अगला है लूपेक्स लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन बेसिकली दिस इज ए कोलाबोरेशन बिटवीन आई एंड जैक्सा जैक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी तो इसको ऑब्जेक्टिव क्या है मून का साउथ पोल में एक लैंडर एंड रोवर भेजने का 2024 तक देखिए चंद्रयान मिशन के बारे में हमने देखा इसमें क्या था सरफेस ऑफ द मून में एक लैंडर एंड रोवर भेजेंगे इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है बस डेस्टिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है मून का साउथ पोल में होगा राइट आप देखिए इसमें लॉन्च व्हीकल एंड रोवर जो है जैक्सा डेवलप करेंगे एंड आई एस आर ओ लैंडर डेवलप करेंगे राइट तो ये मिशन कॉन्सेप्ट अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ है इसकी जो बातें अभी भी चल रही है फंडिंग प्लानिंग सब अभी चल रहा है 2024 तक ये मिशन लॉन्च करने का प्लान है अगला है सुक्रैन वन, शुक्रेयन वन बेसिकली एक वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू स्टडी वीनस फॉर मोर देन फोर ईयर्स तो चार साल से ज्यादा वीनस के बारे में स्टडी करना इसका ऑब्जेक्टिव है आई ने ये इन्फॉर्म किया है टू या टू तक ये मिशन लॉन्च होगा तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा एक तो वीन... विनेशियन एटमोस्फियर के बारे में रिसर्च करना वीनस का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड एटमोस्फियर का डायनामिक्स क्या है ये सब के बारे में रिसर्च करना एंड ये शुक्रयान लॉन्च होगा थ्रू ए जी एस एल वी मार्क टू रॉकेट एंड फाइनली मंगलयान टू देखिए मंगलयान वन के बारे में तो आपको पता ही होगा आपने वो मूवी अगर देखा है मैं तो बोलूँगा दोस्तों इस तरह की जो स्पेस मूवीज हिस्ट्री मूवीज वगैरह ना वो आपको कभी छोड़ने का नहीं जब आप चीज़ों को विचुलाइज करोगे तो आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा चीज़ें ठीक है तो मंगलयान मूवी अगर आपने देखा नहीं है तो हंड्रेड परसेंट देख लीजिए काफी इन्फॉर्मेटिव मूवी है तो मार्स ऑर्बिटर मिशन टू प्लान है जिसको नाम दिया हुआ है मंगलयान टू ये टू तक लॉन्च होने का प्लान है ये इंडिया का सेकेंड इंटर प्लानेटरी मिशन होगा टू मार्स तो इट विल कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर एंड मे इंक्लूड इंक्लूडेड लैंडर एंड ए रोवर देखिए ऐसा प्लान किया हुआ है बस कॉन्सेप्ट है अब इसका फंडिंग कहाँ से होगा इसका प्लानिंग वगैरह अभी चल रहा है ठीक है तो दोस्तों दैट इज एंड इट आई होप आपको समझ में आया होगा आई एसर होगा अपकमिंग मिशन के बारे में देखिए ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये मालूम होना चाहिए बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है राइट सो लेक्चर की पी डी एफ एस स्विशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई पे हैव ए न